गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल? यू ऑल आर फाइन? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन. द सब्जेक्ट इज मैरीगोल्ड, इंग्लिश वर्कबुक एंड स्टैंडर्ड 4. चलो हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया था, राइट? कौन सा यूनिट स्टार्ट किया था हमने? यूनिट नंबर 4. उस पे हमने पोयम लर्न कर ली है, वाई. चलो पोयम में क्या होता है, एक बच्चा जो होता है वो ऑलवेज वाई मतलब क्वेश्चन करता रहता है कि ये क्यों है, वाई दिस, वाई दैट. उसके बाद why this, why that, why why ही करता रहता है. मतलब वो why के क्वेश्चन करता रहता है, why by, why whom, वो सब कुछ पूछता रहता है. चलो उसमें उसने कौन से क्वेश्चन किए थे, कौन से टाइप के क्वेश्चन किए थे, उससे क्या क्या कहा था कि सन जो होता है वो सनशाइन क्यों करता है, फिर विंड जो होता है वो ब्लो क्यों करता है, फिर जो मार्बल और जो स्टोन्स जो होते हैं वो सिंक क्यों हो जाते हैं पानी में, और लकड़ी जो है वो स्विम क्यों करती है, तैरती क्यों है, इसके बारे में उसने पूछा था. बादल जो क्लाउड्स जो होते हैं वो कहाँ से बने हुए होते हैं, कैसे वो एक लाइन में होते हैं, कैसे वो स्काई को क्रॉस करते हैं, राइट? तो ये सारे सवाल उसको हो रहे थे. वो ऑलवेज कुछ ना कुछ पूछता रहता था. चलो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखो. लिस्ट 3 क्वेश्चन दैट द लिटिल बॉय आस्क. चलो उससे कैसे कैसे क्वेश्चन किए थे, उसमें से हमें 3 लिस्ट करने हैं. कितने करने हैं? 3. चलो 3, three questions that the little boy ask are: number 1, why do wood swim and marble sink? चलो सबसे पहला क्वेश्चन उसने क्या किया था, why do wood swim and marble sink. चलो वुड जो होता है वो तैरता क्यों है, स्विम क्यों करता है, और मार्बल जो है वो सिंक मतलब डूब क्यों जाता है. तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन उसने ये किया था. देन नंबर 2, व्हाट मेक्स अ क्लाउड, क्या किया था उसने, व्हाट मेक्स अ क्लाउड. चलो क्लाउड जो होता है वो कौन बनाता है, उसको क्या क्वेश्चन हुआ था, क्लाउड्स कौन बनाता है. उसके बाद लास्ट वाला क्या होता है, नंबर 3, उसको हुआ था क्वेश्चन कि व्हाई डू वी ईट एंड ड्रिंक, हम खाना क्यों खाते हैं और हम पानी क्यों पीते हैं, व्हाई डू वी ईट एंड ड्रिंक. तो ये 3 क्वेश्चंस उसने किए थे. उसके बाद व्हाट इज अ बॉय इन द पोयम डिस्क्राइब एज. चलो बॉयज कैसा बताया गया था, वो कैसा था, एकदम क्यूरियस था. कैसा था वो, क्यूरियस, सी यू आर आई ओ यू एस, जिसको जानने की बहुत ही जल्दी होती है, क्यूरियस था. देन व्हाट इज अ क्यूरियस बॉय ऑलवेज आस्किंग, व्हाट इज अ क्यूरियस बॉय ऑलवेज आस्किंग. चलो क्या पूछता रहता था, एक ही वर्ड उसके लिए यूज हुआ था, वाई. क्या कहता रहता था कि ये क्यों है, वो क्यों है, ये ऐसा क्यों है, वो ये वैसा क्यों है, राइट? सो द आंसर इज द क्यूरियस बॉय ऑलवेज आस्किंग अबाउट वाई. डन. चलो उसके बाद यहाँ पे देखो, व्हाट डज अ बॉय आस्क अबाउट द सन एंड द विंड. चलो बॉय ने सन और विंड के बारे में क्या कहा था, कि सन जो होता है वो ऑलवेज शाइन क्यों करता है, और विंड जो होती है वो ब्लो क्यों करती है, राइट? सो द आंसर इज द बॉय आस्क दैट व्हाई द सन शाइन एंड द विंड ब्लो. चलो उसके बाद नेम 3 थिंग्स दैट फ्लोट ऑन वॉटर. चलो ऐसी थिंग्स, 3 चीजों के बारे में बताना है जो फ्लोट मतलब पानी के ऊपर तैरती है, पानी के ऊपर वो तैरती है. तो उसमें क्या आएगा, वुड और
पेपर, पेपर जो होता है वो भी सिंक नहीं होता है, और लीफ पत्ते, लीव्स जो होते हैं वो भी पानी के ऊपर तैरते हैं. देन नेम थ्री थिंग्स दैट सिंक इन वाटर. चलो पानी में जो डूब जाती है उसी ऐसी चीजें कौन सी होती है? तो आयरन होता है उसमें, IRON, फिर स्टोन्स मतलब पत्थर, पेबल्स, मार्बल, फिर प्लेट, डिशेस जो होती है वो भी सिंक हो जाती है, ETC. चलो उसके बाद यहाँ पे देखो, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स. चलो द बॉय इज इन द पोयम इज क्यूरियस, सैड, नॉटी और ब्रेव. कैसा था वो? क्यूरियस था. CURIOUS, क्यूरियस, ऑप्शन ए. देन व्हाट इज द बॉय ऑलवेज आस्किंग, किसके बारे में पूछता वो? वेयर, व्हेन, व्हाट या व्हाई? क्या पूछता था? व्हाई, ऑप्शन डी. देन द बॉय वॉन्ट्स टू नो अबाउट, नो व्हाई वुड. चलो द बॉय वॉन्ट्स टू नो व्हाई वुड. चलो लकड़ी के बारे में वो क्या पूछना चाहता था? शाइन्स, डाइज, स्विम्स, सिंक. लकड़ी क्या करती है? पानी के ऊपर तैरती है, स्विम्स. सी स्विम्स. एंड द बॉय वॉन्ट्स टू नो वाई मार्बल, मार्बल क्या करता है? सिंक हो जाता है पानी में, स्विम्स, सिंक, डाइज, ब्लो. क्या होगा यहाँ पे? बी सिंक. यहाँ पे स्विम्स और यहाँ पे सिंक्स. टर्न द पेज. चलो अभी यहाँ पे देखो, द बॉय वॉन्ट्स टू नो वॉट मेक्स द, किसको क्या किसको बनाता है क्या? सन, फ्लावर्स, क्लाउड या विंड? क्लाउड्स. क्लाउड्स को क्या बनाता है, कौन बनाता है? ऑप्शन सी. देन द बॉय वॉन्ट्स टू नो वाई द क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या करते हैं? क्रॉस द स्काई, ब्लो, शाइन या सिंक. क्या करते हैं? क्रॉस द स्काई, ऑप्शन ए. Then the boy wants to know why the flowers, flowers क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं. Swim, sink, shine या die? Die. D, die. चलो उसके बाद write the meaning of the words. चलो यहाँ पे हमें meaning लिखना है. हमने ये already textbook में देख लिया था. Curious, curious मतलब क्या होता है? Wanting to know, किसी चीज के बारे में जानना. Wanting, WANTING to No. किसी चीज के बारे में जानना. देन सिंक, सिंक मतलब क्या होना? डूब जाना. टू गो डाउन मतलब पानी के अंदर, टू गो डाउन इन द लिक्विड. पानी हो या फिर मिल्क हो, कोई भी लिक्विड फॉर्म हो, या फिर वो लिक्विड होता है, कोई भी लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर हो, मिल्क हो, या फिर कोई भी ऐसी लिक्विड चीज होती है, उसमें डूब जाता है. टू गो डाउन इन द लिक्विड. चलो हार्ड मतलब क्या होता है? हार्ड का मीनिंग क्या होता है? नॉट सॉफ्ट, सॉफ्ट नहीं होता है. टू टच, टच करने से वो कैसा महसूस होता है? सॉफ्ट महसूस नहीं होता है. देन रीजन मतलब कारण, अकाज, काज, दैट, इन, एक्सप्लेनेशन. वेट वेट अ मिनट. एक्सप्लेनेशन, LAIN GION, occurs that in explanation. चलो तो हमारा यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है.